तो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम आपको टॉर्क पढ़ा चुके हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पढ़ा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल ड्यू टू इट्स पोजिशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में उसकी क्या पोजीशन है या क्या पोजीशन चेंज हो रही है, वो हमें जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देखो, मैंने लाइन किया कि इधर की तरफ मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ पोल इधर है, और एक मैग्नेट को मैंने यहां पर रखा हुआ जिसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी तरफ खींचेगा और ये साउथ पोल इस नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ये जो मैग्नेट है वो ऐसे रोटेट करेगी, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं और इसको इसके अगेंस्ट रोटेट कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मेरा स्टोर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होगा। तो पहले मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल रहा हूं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। लेट कर लेते हैं कि इसको मैंने स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट कराया। तो अगर इसको मैं स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट कराता हूं तो लेट कर लेता हूं कि कुछ टाइम बाद ये रोटेट होके इसकी एक्सिस ऐसे हो जाती है स्मॉल एंगल डी थीटा। ठीक है, ये जो एक्सिस हमने बनाई थी एक्सिस हमारी ऐसे हो जाती है कुछ टाइम बाद। स्मॉल एंगल रोटेट किया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है डी डब्ल्यू, वो किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्योंकि रोटेशन की बात आ रही है तो फोर्स को कौन रिप्लेस करता है? टॉर्क करता है। और डिस्प्लेसमेंट को कौन रिप्लेस करता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस करता है। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? टॉर्क इनटू डी थीटा के इक्वल। और टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या था? एम बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? डी थीटा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अगर मैं यहां से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। ठीक है, हम लाइट कर लेते हैं कि इनिशियल जो ये मेरे पास एंगल था, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट इसके साथ एंगल बना रहा था, ये थीटा वन था, और आफ्टर सम टाइम ये रोटेट होके यहां पर आ गया और ये मेरे पास हो गया बच्चों थीटा टू। ठीक है, यहां तक भी रोटेट हो सकता है, यानी कहीं से कहीं भी हम इसको रोटेट करा सकते हैं। तो थीटा वन से थीटा टू रोटेट कराने में मुझे कितना वर्डन करना पड़ेगा? वो टोटल वर्डन अगर मैं निकालूं तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा एंड डी थीटा। तो एम एंड बी तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और डी थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? थीटा वन से थीटा टू। ठीक है, तो मुझे अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? माइनस के कॉस थीटा, और लिमिट पुट कर देंगे थीटा वन टू थीटा टू। तो यहां पर देखो एम बी माइनस का एम बी मैं इसको लिख देता हूं, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले कॉस थीटा टू एंड माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे कॉस थीटा वन। तो यहां से मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं यू से रिप्रेजेंट करूंगा वर्क डन के बराबर होगी। यही वर्क डन मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आई बच्चों, जिसको हम वर्क डन भी बोलेंगे, तो वो मेरे पास आ गया एम बी। और देखो ये माइनस का अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूं कॉस थीटा वन एंड माइनस कॉस थीटा टू। तो ये मेरे पास वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसको स्मॉल एंगल या थीटा वन से थीटा टू रोटेट कराने के लिए। ठीक है,
अब इसके कुछ केसेस बनेंगे, तो वो केसेस हम यहां से देख लेते हैं, केसेस देख लेते हैं जिसका डेरिवेशन वाला पार्ट था। तो क्या केसेस है बच्चों, देखो फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री हो जाता है, ठीक है, या ऐसा मान लेते हैं थीटा वन मैं ले लेता हूं 90 डिग्री पे और थीटा टू मैं ले लेता हूं किसी थीटा एंगल, यानी इनिशियली जो मेरा ये मैग्नेट है वो ऐसे रखा हुआ था और फिर किसी स्मॉल एंगल से मैंने उसको रोटेट कराया, तो अब देखो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है या वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एम बी कॉस थीटा वन कितना है बच्चों 90 डिग्री का, एंड ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा टू, कॉस थीटा हो जाएगा थीटा टू की जगह पर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी मिली वो मुझे मिली माइनस के एम बी कॉस थीटा। ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब हमने क्या किया हुआ है कि इसको हमने इसके अलोंग रखा हुआ है, ठीक है, इसको इसके अलोंग रखा हुआ परपेंडिकुलर इनिशियली रखा हुआ था, उसके बाद हम इसको रोटेट कराने में जो वर्क डन कर रहे थे वो हमारे पास माइनस एम बी कॉस थीटा निकल कर आएगा। ओके, अब इसमें मैं केस टू देख लेता हूं, केस टू, If ये जो थीटा है यही थीटा मेरे पास जीरो डिग्री का हो जाए, थीटा क्या हो जाए बच्चों जीरो डिग्री का हो जाए, थीटा अगर जीरो डिग्री का होगा तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारा इधर है नॉर्थ से साउथ, यानी एम बी इधर है और बी भी इधर है, तो एम और बी के बीच में एंगल है, अगर कॉस जीरो डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल इधर होगा, तभी तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, तो अब देखो नॉर्थ साउथ को अटैक करके रखेगा और साउथ नॉर्थ को अटैक करके रखेगा, तो इसमें अपने आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टेबल कंडीशन। तो अगर मैं कॉस जीरो डिग्री रख देता हूं यहां पर, तो देखो वर्क डन मेरे पास इज इक्वल टू हो जाता है या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाती है माइनस एम बी कॉस जीरो डिग्री, और कॉस जीरो पे होता है वन, तो माइनस एम बी यानी मिनिमम एनर्जी इसके पास होगी और इसको बोलेंगे हम स्टेबल कंडीशन होगी, क्या होगी ये स्टेबल कंडीशन होगी। स्टेबल कंडीशन का मतलब कि देखो ये रुका हुआ है, साउथ ने नॉर्थ को खींचा हुआ है और यहाँ नॉर्थ ने साउथ को खींचा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है, अभी अपने आप रोटेट नहीं होगा, अपने आप रोटेट नहीं होगा, इसका टॉर्क क्या होगा जीरो होगा, यानी इसकी कोई एनर्जी इसके पास नहीं है, कोई एनर्जी इसके पास नहीं है अगर हमने इसको ऐसे रखा हुआ है, एनर्जी नहीं है, उसको बोलेंगे स्टेबल कंडीशन है, क्या बोलेंगे इसको स्टेबल कंडीशन है। सिमिलरली अगर मैं इसका केस थर्ड देख लेता हूं, केस थर्ड, और उसमें मैं ले लेता हूं थीटा मेरे पास 180 डिग्री का हो जाए, 180 डिग्री का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा, इसका मतलब ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा और ये कभी भी मेरे पास ऐसे करके रोटेट कर जाएगा, कभी भी ये ऐसे करके रोटेट कर जाएगा, तो ये अनस्टेबल कंडीशन होगी। क्या होगी, थोड़ा सा भी अगर अपने एक्सिस से ऐसे होगा, थोड़ा सा भी अपने एक्सिस से ऐसे होगा तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा और ये रोटेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां से माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री, और यहां से माइनस 180 पे माइनस 1 होता है, तो mb यानी प्लस की एनर्जी मेरे पास आई, यानी इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्या होगी मैक्सिमम एनर्जी होगी, और इसको बोलेंगे बच्चों हम अनस्टेबल कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, अनस्टेबल कंडीशन, यानी स्टेबल कंडीशन पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था और अनस्टेबल कंडीशन पर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये अपने माइंड में आपको सेट करके रखना है। क्लियर बच्चों? अच्छा एक केस और देख लेते हैं कि मैक्सिमम कहां पर होगी पोटेंशियल एनर्जी, केस फोर्थ हम ले लेते हैं,
इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो cos 90 पे क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। cos 90 पे क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी mv cos 90 डिग्री, इनिशियल कंडीशन 90 तो लिया था, 90 से 90 ही रोटेट करा रहे हैं तो क्या होगा, 90 पे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना। इनिशियल जो हमने ये लिया था थीटा 1 90 तो लिया था, अब ये भी क्या है थीटा 2 भी 90, 90 से 90 ही घुमा रहे हैं तो क्या होगा, जीरो होगा, नहीं घुमा ही नहीं रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसके पास, जीरो होगी, उसकी पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, चेंज की वजह से होती है कि उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशन पर ही पूछा गया था। तो हमने देखा स्टेबल जीरो डिग्री पर था और अनस्टेबल हमारा 180 डिग्री पर था। तो जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, ये फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं। क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था बच्चों कि ये जो एंगल है इनिशियल एंगल, ये वाला एंगल थीटा मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बच्चों, 30 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी ये वो क्वेश्चन नहीं है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.06 टेस्ला, और ये जो इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं लिख देता हूं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड इज, जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है वो है 0.018। क्या है, 0.018 टॉर्क ये एक्सपीरियंस कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और इनिशियली ये जो रखा हुआ था थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर रखा हुआ था। तो हमसे कहता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल कंडीशन। क्या था, स्टेबल टू अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है, स्टेबल से अनस्टेबल कंडीशन में रोटेट कराने के लिए उसे कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी 2020 में पूछा गया है, ये वाला न्यूमेरिकल हमारा आईआईटी 2020 में पूछा गया है। तो हमें क्या निकालना, देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है या वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के इक्वल। देखो बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेकिन एम की वैल्यू नहीं है, टॉर्क हमें गिवन है, तो हम टॉर्क का मैग्नेटिक फील्ड का और एंगल का यूज करके एम की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो आंसर देख लेते हैं इसका, एस टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन 30 डिग्री गिवन है हमें, ठीक है। तो अगर मैं एम यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन बी साइन 30 डिग्री। टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 0.018, मैग्नेटिक फील्ड 0.06 गिवन है हमें, एंड इसकी वैल्यू होती है 1/2, ओके। तो यहां से देखो इस पॉइंट को हटाएंगे यहां से यहां तक, तो ये 0.3 बार कटेगा और 0.6 जूल पर टेस्ला या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट निकल कर आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तो यहां इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, W is equal to 0.06 into cos। अब क्या कह रहा है, कहां से कहां रोटेट करा रहे हैं, स्टेबल टू अनस्टेबल कंडीशन। अभी हमने देखा स्टेबल कंडीशन कौन सी होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री एंड माइनस cos 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कीजिए इसको, 36 जा हमारे पास 36 हो जाएंगे, 1, 2, 3 हटा लेंगे और 3.6 10^-2 हो जाएगा, cos 01 cos 180 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा यहां से हमारे पास, 10 का 2 बचेगा,
यानी 3.6 10 रेस टू पावर माइनस 2 एंड 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 10 रेस टू पावर माइनस 2 जूल मेरे पास वर्क डन करना पड़ेगा या पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। आईआईटी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, एक और क्वेश्चन जो आईआईटी 2019 में पूछा गया है उसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। आईआईटी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहता है, ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट, ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है कितना, मैं चेक कर लेता हूं एक बार क्वेश्चन कहां चला गया। यस, मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा बच्चों 10 रेस टू पावर माइनस 2 आई कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी आई कैप। ठीक है, हमें बी नॉट की वैल्यू गिवन है 1 टेस्ला, ओमेगा की वैल्यू गिवन है 0.125 रेडियन पर सेकेंड, हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन है। हमसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन हमें निकालना है इन रिवर्सिंग द मैग्नेट, मैग्नेट को रिवर्स करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है। देखो मैग्नेट अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे रखी हुई है, नॉर्थ इधर एंड साउथ इधर, तो इसका साउथ इधर नॉर्थ इधर, तो एंगल कितना बनेगा, थीटा 10 डिग्री बनेगा। अब इसको बिल्कुल रिवर्स करना है, रिवर्स करने का मतलब कि नॉर्थ इधर आ जाएगा साउथ इधर आ जाएगा तो थीटा 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। वही कंडीशन हमारे पास बनेगी है ना। तो यहां से अगर मैं वर्गडन निकालता हूं तो वर्गडन का फॉर्मूला हमारे पास है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो एम इज इक्वल टू, देखो आई और ये भी आई के लॉन्ग है, ये भी आई के लॉन्ग है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो ऐसे रखा हुआ था इसीलिए अब इसको चेंज कर दिया है। तो देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी है माइनस 2, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 ही होगा, यहां पर 1 पुट करूंगा और 1 के साथ हमारे साथ जो चलेगा वो cos ओमेगा t और चलेगा। अच्छा ये कह रहा है फाइंडिंग द वर्क डन रिवर्सिंग द मैग्नेट इन 1 सेकंड, सॉरी ये लिखना रह गया, एक 1 सेकंड में निकालना है, तो टाइम की वैल्यू में यहां पर पुट करनी पड़ेगी। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, इसको हमने अभी सॉल्व किया, ये भी 1 और ये माइनस का 1 तो 2 हो जाएगा। तो 2 is equal to 2 into 10 is to power minus 2 लिख दिया, ये वाला 2 मैंने आगे लिख दिया, into cos, देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 0.125 और टाइम किस में निकालना है 1 सेकंड में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1। ओके, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो 2 into 10 is to power minus 7, अब ये मुझे रेडियन में दे रखा है, अगर इसको मैं डिग्री में चेंज करता हूं तो क्या करना होगा 0.125 180 by pi, यानी अगर इसको मैं डिग्री में चेंज करता हूं तो ये इसको सॉल्व करने के बाद 7 डिग्री आएगा और 7 डिग्री की कॉस 7 डिग्री की जो वैल्यू होती है 0.998 यानी अप्रोक्सीमेटली 1 मैं इसको कह सकता हूं। तो
टू इंटू टेन इज टू पावर माइनस टू, यानी टू इंटू टेन इज टू पावर माइनस टू इंटू वन, तो आंसर आ जाएगा टू इंटू टेन इज टू पावर माइनस टू जीरो।